बैक टू माई चैनल तो आज से मैं शुरू करने वाली हूँ हैश टैग ई सीरीज तो अब से आपको ज़्यादातर ए से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे और ये मेरे ए सीरीज़ का पहला वीडियो है और इसमें मैंने कुछ इस तरीके का मेकअप लुक क्रिएट किया है तो इसमें मैंने पिंक लीटर आई मेकअप क्या है विथ पिंक लिव्स आई होप आपको ये ओवरऑल लुक जो है पसंद आ रहा होगा अगर आपको मेकअप लुक पसंद आए और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू तो माय चैनल लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और कमेंट कर कर ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी सो या लेट्स गेट स्टार्ट तो so, स्किन को प्रैप करने से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सबसे पहले गुड वाइब्स का फेस्ट मिस्ट ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट कर देगा देन मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल विद गोल्ड लिप्स ये आई थिंक 300 या 350 समथिंग का कुछ आता है इसका छोटा वाला भी आता है वो भी आप ट्राई कर सकते हो जो कि 100 रुपीज़ का आता है तो इसके फ्यू ड्रॉस मैं अपने फेस पर अच्छे से लगा लूँगी ये फेशियल ऑयल हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने का अच्छे से काम करता है तो इसके लिए मैं इसको अपने लिप्स पर भी लगा ले रही हूँ सो so, हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस तो ये प्राइमर जो है सिलिकॉन बेस प्राइमर है जो आपके जो स्किन पर पोर्स ओपन होते हैं ये उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है प्लस ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी रखेगा और जो आप मेकअप करते हो वो मेकअप आपके स्किन के अंदर नहीं जाता है सो तो इसलिए आप मेकअप करने से पहले हमेशा प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एन वाई बे का कलर करेक्टर स्टिक सो ये ग्रीन कलर की है और इसको मैं अपने जहाँ पर मुझे डार्क स्पॉट्स हुए हैं वहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड थोड़ा सा मुझे डार्क सर्कल्स की भी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज नींद नहीं मिल पा रही है मुझे ठीक से सो इस वजह से तो इसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन और इसमें मेरा शेड है गोल्डन पेज आई लव दिस फाउंडेशन गाइज़ बिकॉज ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है इसका फार्मूला बहुत अच्छा है प्लस इसमें स्पैचुला इस आता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ही अप्लाई करने में ईजी हो जाता है सो so, इसको मैं अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई कर ले रही हूँ सो मेक श्योर फेस पर भी अप्लाई करना है आपको नेक पर भी अप्लाई करना है बिकॉज़ फ़ेस एंड नेक का कलर जो है वो ईवन लगे सो so, उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ इसका शेड आप देख सकते हो थोड़ा वाइटिश आपको लग रहा होगा बट अगर आप ये फाउंडेशन लेते हो तो आपकी स्किन टोन के कलर के हिसाब से आप एक शेड लाइट लो बिकॉज़ ये स्किन में ऑब्जर्व होने के बाद आपकी स्किन टोन से मैच करता है सो so, नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कंसीलर और इसको मैं अपने आईलिट और अंडर आई एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ और कुछ इस तरीके से मैं आईब्रोज़ को क्लीन करते हुए अप्लाई कर रही हूँ देन मैं ब्लेंड करूँगी और इसका शेड ने मैं भूल चुकी हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेड नेम प्रोवाइड कर दूँगी तो आप चेक कर लेना उसके बाद फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ए का लक्जरी बनाना पाउडर तो आप कोई भी ब्रांड का बनाना पाउडर यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे मैं ए का यूज़ कर रही हूँ जो कि सुपर अफोर्डेबल है ये आई थिंक हंड्रेड रुपीज़ का आता है तो इसको मैं अच्छे से सेट लगा लूँगी अपने फेस पर और इसको लगा आपको थ्री टू फाइव मिनट्स तक फेस पर रखना है तो जब तक का फेस बेक हो रहा है तो मैं आईब्रोज़ को फिल इन कर ले रही हूँ तो मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का जेल आईलाइनर सो so ये आईलाइनर भी है एंड आप इसको आईब्रो जेल की भी तरह यूज़ कर सकते हो इसमें इस, इस तरीके का ब्रश आपको मिलता है तो वही ब्रश से मैं आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ तो पहले आपको कुछ इस तरीके से आईब्रोज़ को शेप देकर लाइनअप करना है देन आईब्रोज़ को इस तरीके से फिल इन करना है उसके बाद कोई भी स्पूली ब्रश लेकर इस तरीके से कर लीजिए बिकॉज जो भी एक्सेस होगा वो रिमूव हो जाएगा उसके बाद एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इस तरीके से जो एक्सेस होगा उसको रिमूव कर ले रही हूँ देन मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का न्यूट आई पैलेट और गईज ये ड्यूप आई शेडो पैलेट है तो इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था तो इस पर मैंने रिव्यू किया है अगर आपको देखना होगा तो उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी तो आप देख लेना तो उसमें से मैंने ये वाला शेड लिया है और अपने आईलेट को सेट करने के लिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ कलर बार के ब्लेंडिंग ब्रश से सो so, एक फ्लफ़ी ब्रश में ये पीच काइंड ऑफ शेड मैं पिक कर रही हूँ और इसको मैं अपने क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करके साथ ही साथ इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज अगर आपका आई मेकअप अच्छे से जो है आई शेडो ब्लेंड नहीं हुए होंगे तो आपका आई मेकअप भी अच्छा नहीं दिखेगा सो मेक श्योर आप आई शेडोज़ को अच्छे से ब्लेंड करो देन अगेन मैं एक फ्लफी ब्रश लेकर ये वाला शेड पिक कर रही हूँ और इसे मैं अपने क्रीज लाइन एंड थोड़ा सा आईलेट पर भी अप्लाई करती जा रही हूँ कुछ इस तरीके से साथ ही साथ मैं दूसरी आई आईज भी कंप्लीट कर रही हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आई को सो so नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो इसमें शेड नंबर है ज़ीरो फाइव एंड शेड नेम है रोज गोल्ड रेट्रो और इसको मैं अपनी हाफ आई पर अप्लाई कर रही हूँ और इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है और यह आपको टू हंड्रेड रुपीज़ का मिल जाएगा अगर आप एक लेते हो तो अगर आप इसके सिक्स शेड लेना चाहते हो तो सेवन हंड्रेड रुपीज़ या सिक्स हंड्रेड रुपीज़ के आपको मिल जाएंगे और इसको आप जब अप्लाई करोगे तो अगर आपको ब्लेंड करना है तो आपको बहुत ही जल्दी ब्लेंड करना पड़ेगा बिकॉज़ ये कुछ सेकेंड में ही ड्राई हो जाते हैं, तो ड्राई होने के बाद आप इसको ब्लेंड नहीं कर सकते तो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी इसको ब्लेंड कर रही हूँ आउटर वी पर मैंने ब्राउन शेड लिया है और इस आ, उस शेड से मैं इस तरीके से ब्लेंड आउट कर रही हूँ उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी इंस्टा का आईलाइनर तो ये स्टेप आप स्केप भी कर सकते हो यहाँ तक भी आप आई मेकअप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा बट मैं लाइनर थोड़ा अप्लाई करना चाहती थी और थोड़ा सा आई मेकअप अच्छा दिखने के लिए सो तो इसलिए मैं ये वाला लाइनर अप्लाई कर रही हूँ जो कि हर बिगनर्स के पास अवेलेबल होगा तो इससे मैं एक लंबा सा विंग क्रिएट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से सो आई लैश को वॉलीमनाइज बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कल मस्कारा सो इसके दो से तीन कोड मैं अपर लैशेस एंड बॉटम लैशेस पर अप्लाई कर रही हूँ तो मैं फेक लैशेस भी अप्लाई करूँगी पूरा मेकअप होने के बाद फेस कॉन्टोर के लिए मैं सेम पैलेट में से ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ सो गाइज़ अगर आपके पास कोई भी कॉन्टोरिंग स्टिक या कॉन्टोर पाउडर नहीं होगा तो आप कोई भी एशडो पैलेट में से ब्राउन शेड इस तरीके से पिक करके फेस कॉन्टोर के लिए इसको यूज़ कर सकते हो तो मैं इसको अपने जॉल लाइन फॉरहेड पर अप्लाई कर लूँगी अच्छे से सो so ब्लश के लिए मैं ये वाला पैलेट यूज़ कर रही हूँ जिसमें दो शेड मिल जाते हैं और इसको मैंने लोकल मार्केट से लिया था देन फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इन कलर का इंस्टेंट शिमर ब्रेक हाईलाइटर इन दी शेड ज़ीरो फाइव रेडियंट और ये मेरा फेवरेट पार्ट है अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि मुझे हाईलाइटर कितना पसंद है अगर आपको फेस पर अच्छा सा ग्लो चाहिए तो आपको हाईलाइटर तो अप्लाई करना ही पड़ेगा तो मैंने इनर कॉर्नर पर ये वाला गोल्डन शेड लगाया है सो so, अब आ जाते हैं हम सबके फेवरेट स्टेप पर जो कि है लिपस्टिक अगर आप फुल फेस मेकअप कर लो अगर आप लिपस्टिक ना लगाओ तो पूरा मेकअप जो है वो तो इनकम्प्लीट दिखता है तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बेला वॉस्ट एक लिक्विड लिपस्टिक और इसमें मेरा शेड है रोज पॉप जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक शेड है आप देख सकते हो सो so, मेकअप को लॉन्ग स्टे रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर और इसके स्प्रे अपने फेस पर कर लूँगी सो so नाउ मेरा मेकअप जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है अब मैं अपनी ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ और इसमें ईयर के साथ साथ मांग टीका भी मिल जाता है और इसको आई थिंक मैंने अमेज़ोन पर से इसको लिया था जस्ट थ्री फिफ्टी रुपीज़ में तो मांग टीका भी मैं लगा रही हूँ और क्लिप से इस तरीके से मैं सिक्योर कर ले रही हूँ सो गाइज़ दट इज़ फॉर द टुडेज वीडियो आई होप आप लोग को ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया होगा और मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक एंड शेयर दिस वीडियो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो इंस्टा आई डी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो मैं मिलती हूँ मैंने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर स्टेबलाइज बाय